बाबूजी हैं? बाबूजी का अंदर उजरा चालू। अरे ये लिए पान लाए, आपके लिए लाए हैं स्पेशल पान। चूना लगवा लिया रहो? एकदम बहुत बढ़िया लगवाए। चौधरी पान बढ़िया लाए हमें लाए हैं। ये बताओ चौधरी। हाँ बताए। कुट्टा पैजामा में मास्टर साहब नहीं आए अभी? आए भैया, रो कुछ काम धंधा चले। कहा शुक्ला साहब? पांडे जी आए। कुर्ता पैजामा में मास्टर साहब? भाई पांडे भेजो। तो ठीक है, भेज रहे ना। भेजो। आए गए मास्टर साहब। अरे गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान और कैसे हो? बस बस बस, सब आशीर्वाद आपका। कल्याणम। ठीक है सब? ठीक हो? कृपा है आपकी। और बेटा परिवार में सब कुशल मंगल? बचाओ बताइए गुरुजी, कैसे आना हुआ? बताएं क्या बेटा, बिटिया की शादी है घर में और उस पर 3 साल का एचआर भी फंसा हुआ है। अगर इसका कुछ हो जाता तो शादी बड़े आराम से निपट जाती। देख लो इसका जो भी हो जाए, अक्टूबर का वेतन भी नहीं मिला है। देख लो कुछ। देखो पांडे जी, काम तो आपका हो जाएगा, बस वही है कि फाइल लटकी पड़ी आपके। कुछ चाय पानी का इंतजाम कीजिए। देख लो बेटा जैसा उचित लगे तुम्हें। देखे गुरु जी, वही से चक्कर लगाने तो लगाते रहिए, उसे चला दे रहे हैं आपको। कुछ चाय पानी खर्चा कीजिए, बार बार आते जाते हैं आप भी, हैं? चाय पानी का इंतजाम कीजिए, काम हो जाएगा आपका। देखिए गुरु जी, आप हमारे पिता समान हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हम अपने लिए ले रहे हैं। क्यों चौधरी? एकदम सही। और सही है कि पिट से बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकता, नहीं तो आप लोग कहेंगे अन्यथा में लेने लगेंगे। बेटी के ब्याह के बोझ तले दबा पिता, अन्यथा क्या लेगा बेटा। गुरु जी का चाय पियो भाई। गुरु जी चाय पियेंगे? जी सर। चाय पिवाओ भाई गुरु जी का। हला रहे। मोहर लगवा दी है, चाय पानी का इंतजाम कीजिए, बिना लिए हो नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, अपने पूरे जीवन की कमाई दे रहा हूं। व्रतम यत्नेन संरक्षेत व्रत माया दिया। अच्छा बेटा चलता हूँ। प्रणाम गुरु जी। भगवान तुम्हें सदबुद्धि दे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत व्रत मायाति याति च, अर्थात चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है, धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं होता, परंतु चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए से भी बदतर होता है। एक सच्चा गुरु सदैव कुछ
सिखा के ही जाता है।